गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स में बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट करेंगे। हम कंपैरिजन करेंगे, जो भी चीज बिग है उसको हम लोग राइट करेंगे और स्मॉलर है उसको क्रॉस करेंगे। ठीक है बच्चों, थर्ड एक्सरसाइज है मैथ्स की, पेज नंबर 8। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द बिगर एंड क्रॉस फॉर द स्मॉलर इन द गिवन बॉक्स। तो ये बॉक्स में पिक्चर को ऑब्जर्व करके बिगर ऑब्जेक्ट को राइट लगाना है और स्मॉलर ऑब्जेक्ट को आपको क्रॉस लगाना है ब्रैकेट में जो बॉक्स दिया है वो। ये है ब्रूम, ये झाड़ू है, ब्रूम है, इसको यहाँ से कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है, ये छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको मैं स्मॉलर है तो क्या लगाऊंगी, क्रॉस, रॉन्ग लगाऊंगी, और ये बिगर है तो मैं उसको क्या लगाऊंगी, राइट। ठीक है, जो स्मॉल है उसको हम लोग को क्रॉस लगाना है और जो बड़ा है बिगर है उसको राइट लगाना है। नेक्स्ट है बैट, कौन सा बैट बड़ा है, पहला वाला बड़ा है या छोटा, यस, इससे कंपेयर करेंगे हम, पहला वाला दूसरे वाले बैट से बड़ा है तो हम लोग राइट करेंगे क्योंकि बिगर के लिए राइट है, और ये स्मॉलर। और कैंडल देखिए, कैंडल में कौन सी बड़ी है, यस, ये कैंडल बड़ी है तो यहाँ पे मैं राइट करूँगी और यहाँ पे मैं क्रॉस करूँगी। ये पेंसिल है, पेंसिल कंपेयर करने में ये कौन सी बड़ी दिख रही है, यस, ये बड़ी है तो मैं यहाँ पे राइट करूँगी और यहाँ पे क्रॉस करूँगी। नेक्स्ट है अलार्म क्लॉक, ये क्लॉक में से कौन सी क्लॉक बड़ी है, यस, कंपेयर करो, यस, पहली वाली क्लॉक बड़ी है तो मैं यहाँ पे करूँगी राइट और यहाँ पे करूँगी मैं क्रॉस। अब ये काइट है, ये काइट, ये पहली वाली छोटी है या बड़ी, यस, पहली वाली छोटी है, ये नेक्स्ट है वो बड़ी है तो छोटी के पास कौन सा मार्क आएगा, क्रॉस, वेरी गुड, और बड़ी वाली काइट के पास मैं राइट करूँगी। ये है बॉल, तो बॉल ये छोटी है तो मैं यहाँ पे क्रॉस करूँगी, यहाँ पे बॉल बड़ी है तो राइट, ये बिगर, ये स्मॉलर, ये बिगर, ये दोनों में से कौन बिग है, यस, ये बिग है तो बिगर, स्मॉलर, ये स्मॉलर, बिगर, बिगर बड़ा है जो, और ये छोटा है तो इससे मैं करूंगी क्रॉस। ये टाइम ऐसे कौन सी बड़ी है, ये है बिगर तो इस पर करूंगी मैं राइट और इस पर करूंगी मैं क्रॉस। ये कील है, कील में से कौन सी बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है तो यहाँ पे मैं करूंगी क्रॉस, यहाँ पे करूंगी राइट। और एरो में, ये एरो में कौन सा बड़ा है, यस, एरो में पहला वाला बड़ा है तो इस पर करूंगी मैं राइट और स्मॉल के लिए स्मॉलर में करेंगे हम रॉन्ग। नेक्स्ट लीव, लीफ में कौन सा बड़ा है, ये लीफ बड़ा है तो मैं करूंगी राइट और ये लीफ है छोटा तो मैं करूंगी स्मॉल, ये छोटा है तो इसके लिए क्रॉस, बड़े वाले पेड़ के लिए राइट, छोटे वाले मछली के लिए क्रॉस और बड़ी वाली डॉल्फिन के लिए राइट, बिगर जिराफ के लिए राइट और स्मॉलर के लिए रॉन्ग। ये है मैन और ये छोटा मैन, तो ये टॉल है तो इसको करूंगी मैं राइट, ये शॉर्ट है तो इसको करूंगी मैं रॉन्ग। टायर में से बिगर स्मॉलर, और ये बड़ी सी इमारत है और ये छोटा सा घर है तो इस पे करूंगी मैं राइट, इस पे करूंगी मैं रॉन्ग। ये है स्नेक और ये है कैटरपिलर, तो स्नेक पे राइट, इस पे रॉन्ग। तो आज हमने बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट देखा, हमने चीजें सब कंपेयर की है, तो इस तरह से आपको बिगर और स्मॉलर में मार्क लगाने हैं घर पे मम्मी के पास बैठ के, और पढ़ना भी है, समझना है, और इससे 40-60 के स्पेलिंग भी पढ़ने हैं आपको और वन टाइम होमवर्क में लिखने हैं। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। टिल देन बाय, थैंक यू, स्टे सेफ।